राहुल गांधी द्वारा संसद में हिंदुओं पर दिए बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस को इस मुद्दे पर सदन से सड़क तक घेरने का काम शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर बीजेपी राहुल गांधी का पुतला दहन करेगी। राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान का बीजेपी के नेताओं ने विरोध किया है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, फिरोज खान के पोते और इटालियन मां के बेटे राहुल गांधी आज तक समझ नहीं पाए कि हिंदू धर्म क्या है। राहुल ने हिंदुओं का अपमान किया है, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। हिंदू उनका खुलकर विरोध करेगा और पुतला बनाकर गंदे नाले में डाला जाएगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी ने भी राहुल गांधी के बयान की निंदा करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जिन शब्दों का चयन किया है वह निंदनीय है। राहुल गांधी को बताना पड़ेगा कि वह हिंदू है या नहीं। फिरोज खान का पोता और इटालियन माँ का बेटा, वो भारत के ना तो हिंदुस्तान को समझ पाया है ना हिंदू धर्म को समझ पाया है। उसने कल जो हरकत की है बहुत निंदनीय है। भारत का संपूर्ण हिंदू समाज, पूरे विश्व में रहने वाला हिंदू जो वसुदेव को अपने कुटुंब मानकर चलता है, सारे संसार को अपना कुटुंब मानता है, ऐसे हिंदू को हिंसक कहा है राहुल गांधी ने। इसलिए राहुल गांधी कान खोलकर सुन लो, अगर आपने हिंदुस्तान में हिंदुओं से माफी नहीं मांगी तो ध्यान रखना, आपका विरोध भी किया जाएगा और आपका पुतला बनाकर गंदे नाले में पटका जाएगा, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता भी गंदी है, तुम्हारा दल भी गंदा है, तुम्हारा विचार भी गंदा है। वोट लेने के लिए हिंदुओं के मंदिरों पर नाक रगड़ते हो, वो वोट लेने के बाद हिंदुओं को हिंसक कहते हो, धिक्कार है, सुधर जाओ विदेशी माँ के बेटे, सुधर जाओ। ये हिंदुस्तान का अपमान करना बंद करो, वरना मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हिंदू शांति भी है, हिंदू सबल भी है, लेकिन हिंदू जब अपने पर आ जाएगा तो हर व्यक्ति का प्रतिकार देने के लिए तैयार हो जाएगा। शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया है, राहुल गांधी को बताना पड़ेगा कि वो हिंदू है कि नहीं। पूरे हिंदुओं को उन्होंने जिस तरीके से कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है, कभी दूसरे समाज पर भी आपत्ति करके दिखाएं, उनको पता चल जाएगा ये हिंदुस्तान है, लोकतांत्रिक देश में उनकी क्या गत होती है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।